सलाम मिले। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम मिले। हालेलुया। आप लोगों ने आराधना के द्वारा बड़ी बरकत पाई होगी और खुदावन अभी अपने वचन के द्वारा भी आपको बड़ी आशीष देंगे। थैंक यू जीसस। बड़े ध्यान से आज का वचन सुनिए और आज के इस वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिए। आइए हम आज के वचन शुरू करने से पहले छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। अभी तक आपने आराधना को अपने हाथों में लेकर चलाया, आपका धन्यवाद। अपने स्वर्गीय राज्य में कबूल कर लो। अभी पिता आपके लोग, आपके बच्चे, आपका वचन, आपकी वाणी सुनना चाहते हैं। आइए पिता अपने बच्चों से बातचीत कीजिए। अपने दास दासी को अपने आत्मा के द्वारा चलाए ताकि आपके दास दासी के द्वारा निकला गया एक एक शब्द आपके द्वारा होने पाए और आपके लोगों के लिए बड़ी आशीष लेकर आने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सारे समय को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते, सारे नेटवर्क सिस्टम को आपके हाथों में सौंपते। प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु। इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र हम सबके मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगा है। आमीन। आओ उससे आज का वचन पढ़ के चलेंगे। इफिसियों 5 अध्याय 6 आए तो कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। आज का साडा जिहड़ा विषय है कि परमेश्वर का गुस्सा, परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का जिहड़ा गुस्सा वह किन्ना किन्ना उत्ते भड़कता है, कदों कदों भड़कता है। अज के विषय तो अभी सीख के चलेंगे। तुम सोच लोगे कि इंसान का गुस्सा जड़ा करता ही करता है, कि परमेश्वर भी गुस्सा आता है। हाँ जी, तुम बिल्कुल ठीक सुनिया, परमेश्वर भी गुस्सा आता है, इंसान भी गुस्सा आता है। पर इंसान के गुस्से बारे में की लिखा है, क्रोध तो करो पर पाप ना करो। परमेश्वर भी दुनिया से अपने लोगों उत्ते गुस्सा करता है। दुनियावी जड़े मां बाप होंगे ने अपने बच्चों उत्ते गुस्सा करते हैं या नहीं करते? करते हैं। जो बच्चे गलती करते ने या अपने मां बाप की आज्ञा दे विच नहीं करते, मां बाप अपने बच्चों उत्ते गुस्सा करते ने, करते हैं कि नहीं करते? करते करते। पर जेकर मां बाप अपने बच्चों उत्ते नजायज गुस्सा करन, वो गलत गल है। जे अपने बच्चों को सुधारन दे लई, अपने बच्चों को सिखाण दे लई उन्हां उत्ते गुस्सा करते ने, कोई बुरी गल नहीं है। उस तरह साडा स्वर्गीय पिता भी जदों अपने बच्चों नूं यानी सानूं कुछ सिखाना चाहता है, जिन्हें सानूं सारे नूं रचिया है, जिन्हें पूरी सृष्टि नूं पूरे संसार नूं बनाया है, जेकर संसार दे लोग उनके कहन दे अनुसार नहीं चलते, उनकी आज्ञा दे विच नहीं चलते या उस परमेश्वर के खिलाफ होके चलते या उस परमेश्वर के सामने ही उसकी आज्ञा तोड़ते हैं या उनके खिलाफ गल्ला करते हैं, फिर परमेश्वर भी
अपने रचे गए संसार उत्ते अपने रखे रचे गए लोका उत्ते गुस्सा आंदा है। कोशिश करता है लोगों को किसी न किसी तरीके से समझाए। परमेश्वर कोशिश करता है कि अपने बच्चों नु किसी न किसी तरीके नाल समझावे। पर जेकर नहीं समझदा इंसान ते उस नु डांटदा है। पर प्रेम दे नाल डांटदा। अगर डांटन दे नाल भी उहना बच्चा ना सुधरे ते उहदे ते अपना गुस्सा दिखांदा है। अपना क्रोध भड़कांदा है। एक गल चेते रखना, परमेश्वर कदे भी अपने बच्चों उत्ते नजायज गुस्सा नहीं करता। एक दुनियावी माँ बाप जड़े होंगे नजायज गुस्सा अपने बच्चों उत्ते कर सकते ने, पर परमेश्वर कदे भी अपने बच्चों उत्ते नजायज गुस्सा नहीं करता, क्योंकि वह तो परमेश्वर और सृष्टि का मालिक है। उसने पूरे संसार नु बनाया है। जब परमेश्वर अपने रचे गए इंसान उते अपने रचे गए बच्चियां उते कोई गुस्सा करता है या उन्होंने सुधारण के लिए कुछ गुस्सा करता है, कई बार अपने बच्चों संसार नु सजा भी देता है। उसकी सजा जड़ी है कुछ भी हो सकती है। मां बाप अपने बच्चों सुधारण के लिए उन्होंने तो गुस्सा करते हैं, कई बार उन्होंने डांट देने गुस्सा दिखा देने, कई बार अपने बच्चों मार भी देते हैं, कई बार अपने बच्चों सुधारण के लिए उन्होंने समझाने के लिए थप्पड़ भी मार देते, लाठी भी मार देते, डंडा भी मार देते। जेकर बच्चे जड़े कि माँ बाप के कहने के अनुसार ना सुधर ना समझ तो माँ बाप को उन्होंने ज्यादा गुस्सा करना पड़ता। उस तरह साडा परमेश्वर भी गुस्सा करता है। साडा जिंदा परमेश्वर, साडा स्वर्गीय पिता, साडा आत्मिक पिता जरा है। पर एक गल चेते रखना, परमेश्वर नु गुस्सा करन दी कोई आदत नहीं। ऐदा नहीं कि परमेश्वर गुस्से बाज है, ऐदा नहीं है। ऐदा नहीं कि हर समय गुस्सा ही करता रहता है। हाँ, जब वो अपने रचे गए बच्चों के संसार के पाप देखता है, जिवें वो देखता है कि मेरे बच्चे मेरे कहने के अनुसार नहीं चल रहे, जिस मकसद के लिए मैं इस संसार में उन्होंने रचिया रखिया, उस मकसद को पूरा नहीं कर रहे, तो परमेश्वर अपने बच्चों उत्ते गुस्सा करता है। याद रखो, दुनिया का संसार के लोगों का गुस्सा जड़ा है सहा जा सकता है, पर परमेश्वर का जड़ा गुस्सा वह सहा नहीं जा सकता। परमेश्वर का जो गुस्सा है अपने बच्चों के संसार से किसी भी समय किसी भी कड़ी किसी भी जरिए जो भड़क सकता है, क्योंकि परमेश्वर का गुस्सा जो लैके जो जाते हो सफर में कितने जाते हो या अपनी ड्यूटी पर जाते हो, किसी भी जगह पर उसका जो गुस्सा है वह भड़क सकता है। पर बाइबल एक गल दसती है, अगर हम नहेमिया की किताब 9:17 साडा परमेश्वर जो बहुत ही प्रेमी परमेश्वर है, वो बड़ा दया करने वाला, वो क्षमा करने वाला, अनुग्रह करने वाला, देरी दे नाल गुस्सा करने वाला। लिखा है कि वो कदे भी अपने बच्चों दुख देके खुश नहीं होता, कदे भी अपने बच्चों से गुस्सा करके खुश नहीं होता। अगर असी नहेमिया 9:17 ते फिर उस तो बाद योना 4:2 दे विच देखिए, और आज्ञा मानने से इनकार किया और जो आश्चर्य कर्म तूने उसके बीच किए थे उनका स्मरण न किया, वरन हट करके यहां तक बलवा करने वाले बने कि एक प्रधान ठहराया कि अपने दासत्व की दशा में लौटे, परंतु तू क्षमा करने वाला, अनुग्रहकारी और दयालु और विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय ईश्वर है। लिखे कि बहुत ज्यादा करुणा दया करने वाला साडा परमेश्वर। जेकर असी योना 4:2 देखिए, और उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की
कि हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं ये बातें न कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है, विलंब से कोप करने वाला, करुणा निधान और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। देखो योना नबी भी की कहता है, परमेश्वर मैं इस गल नु जान दस दी कि तू अनुग्रहकारी परमेश्वर, तू देरी दे नाल गुस्सा करने वाला, दुख देन दे नाल तू खुश नहीं हुंदा। डांट दबट के डंडा मार के लाठी मार के कदे भी खुश नहीं होंगे, उसे भी तरह परमेश्वर भी कदे खुश नहीं होंगे अपने बच्चों से गुस्सा करके। परमेश्वर है संसार नु बनाने वाला, सारे संसार नु प्रेम करता है, वो सारे संसार के लोगों नु खुश देखना चाहता, सारे नु सही सलामत देखना चाहता। ते परमेश्वर चाहता है कि सारे मेरे बनाए गए बच्चे जड़े हैं वो तरक्की करें, ते सारे सही सलामत रहें, ते वो सारे नाल प्रेम करता है। प्रभु यीशु मसीह का सिर्फ ईसाइयों का परमेश्वर है, पर बाइबल ऐसा नहीं कहती। बाइबल मत्ती 11 अध्याय 28 में दसती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे सारे थके हुए लोगों ते पार हेठा दबे हुए लोगों, मेरे कोल आओ, मैं तुहानू आराम दवांगा। परमेश्वर सारे नु बुला रहे हैं। जो अं प्रेरितों के काम 10 अध्याय 35 देख रहे हैं, उनके विच साफ लिखा है परमेश्वर किसी नाल भी पक्षपात नहीं करता, पर हर जाति के विचों जड़ा परमेश्वर नु प्रेम करता ते धर्म के कामों नु करता वो परमेश्वर नु चंगा लगता है। परमेश्वर सारे नु प्रेम करता है, वो सारे नु खुश देखना चाहता है, सारे नु तरक्की करना देखना चाहता है, सारे नु खुशी दे नाल जिंदा देखना चाहता है। पर संसार दे विच ऐदा हुंदा कि सारे सारे लोग खुश रहे, सारे सारे लोग परेशानी तो आजाद, सारे सारे लोग दुखा तो आजाद, या सारे सारे लोग अपनी बीमारियां तो चंगे हो जाए, उसकी वजह की है इंसान अपने बनाए गए परमेश्वर के अनुसार नहीं चलना, वो परमेश्वर तो दूर होके चलता, वो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ के चलता, इसलिए परमेश्वर जो अपने बनाए गए बच्चों तो दुखी रहता, इसलिए परमेश्वर जो इंसान उत्ते अपना गुस्सा पड़ता है। यह तो नेचुरली गल है, जिस परमेश्वर ने अपने बच्चों संसार में यानी सानू सारे रचिया है, जे असि उस दे मुताबिक नहीं चलांगे जेकर साढ़े तो खुश नहीं होगा तो सानू खुश कि जेकर परमेश्वर दुखी तो असि भी दुखी, जेकर परमेश्वर खुश साढ़े जीवना तो असि भी खुश रहांगे। इसलिए परमेश्वर जो गुस्सा करता है वो अपना गुस्सा दिखाता है, किस कोई ना कोई अपने बच्चे नूं सजा देता है, किसी भी किस्म की सजा दे सकता है, कोई बीमारी के बीच पा सकता है, चोट फेट लगा सकता है, एक्सीडेंट करवा सकता है, गरीबी के बीच पा सकता है, यानी किसी ना किसी उस समस्या के बीच पा सकता है। जब उसका गुस्सा भड़कता है समझदार जो लोग होंगे ने उसके गुस्से को समझ भी जाते हैं, काफी लोगों उत्ते जो परमेश्वर गुस्सा होता है वो लोग सुधर भी जाते हैं, समझ जाते हैं, काफी लोग जो गुस्से को समझ जाते हैं, तो जो समझ जाते हैं वो अपने आप को बदल भी लेते हैं, फिर वो परमेश्वर तो क्षमा मांग लेते हैं, माफी मांग लेते हैं। तो परमेश्वर इतना दयालु परमेश्वर है, जो लोग उनके सामने झुक जाते हैं,
जो लोग माफी मांग लेते हैं परमेश्वर उन्होंने माफ भी कर क्योंकि जिवें असीं पहला पढ़िया सी कि परमेश्वर साडा क्षमा करन वाला परमेश्वर चाहता है कि उन्हें लोग बदल जाण उन्हें लोग सुधर जाण पर काफी लोग की करते हैं परमेश्वर के गुस्से की कोई भी परवाह नहीं और ज्यादा परमेश्वर के गुस्से समझते हैं जब समझ लेते हैं तो उसकी परवाह नहीं करते कि परमेश्वर जब कोई गुस्सा करता है तो करी जा मान लीजिए इंसान जो बुराई करता है पाप करता है घमंड करता है नफरत करता है ईर्खा करता है भ्रष्टाचार फैलाता है मूर्ति पूजा करता है व्यभिचार करता है जादू टूना करता है इन सारी गलों में परमेश्वर जो गुस्सा होगा अज के वचन तो मैं तुम्हें सिखावांगा जो लोगों को पता चल जाता है कि परमेश्वर गुस्सा होता है परमेश्वर अपना गुस्सा दिखाता भी है उन्हें उत्ते अपना गुस्सा दिखाता भी है पर इंसान फिर भी नहीं समझता मैं सारे इंसानों की गल नहीं काफी लोग जड़े उसके गुस्से की परवाह नहीं करते इसलिए परमेश्वर एक ना एक दिन उन्होंने नाश कर देता है किसी ना किसी गरीबी घटना में दुर्घटना ही पा देता सारी उम्र तक उन्होंने बीमारी के बिस्तर से पा देता या सारी उम्र तक उन्होंने दुखी रखता अज असि सारी सारी बाइबल के उत्पत्ति तो लेकर लास्ट किताब तक सीख के चलेंगे बाइबल कितने कितने और किन्ना किन्ना जगह से किन्ना किन्ना लोगों उत्ते परमेश्वर का गुस्सा पड़ गया गुस्सा क्यों पड़ गया ऐसी सीख के चलते जो परमेश्वर का गुस्सा पड़ गया उसका जरा परिणाम की होया यानी कि उनका रिजल्ट की होया उन्हें तो सानू सारे सीखने की मिलता है सो अज असि बाइबल के सीख के चलते सारिया इदा का इदा नोट नहीं आप कुछ खास खास मैं तुम्हें दस के चला कि जिथे जिथे जिन्ना जिन्ना लोगों उत्ते परमेश्वर का गुस्सा पड़ गया क्यों गुस्सा पड़ गया तो उनका रिजल्ट की होना मिले उस तो सानू सीखने की मिले कुछ उदाहरण देके तुम्हें बाइबल चो दस आओ अभी सब तो पहला सीखांगे पहली किताब उत्पत्ति उनके तीसरे अध्याय में उस जगह से असं उस किताब देखते हैं आदम ते हवा ते सप उत्ते जिहड़ा परमेश्वर का गुस्सा पहली बार पड़ गया जब परमेश्वर ने आदम बनाया सी रचिया सी ते उन्होंने अदन के बाग दे विच रखिया सी ते उसने एक सहायक भी बनाई सी हवा उन्होंने कहा कि तुसी इस बाग के सारे वृक्षों के फलों को खा सकते हो पर एक वृक्ष के फल को तुसी नहीं खाना वो सी भले ते बुरे के ज्ञान का वृक्ष ते आदम हवा ने की किया परमेश्वर की उस आज्ञा को तोड़िया ते सप ने आके हवा को पहका दिता हवा ने उस फल को तोड़ के खा लिया यानी कि उसने परमेश्वर की आज्ञा की कोई परवाह नहीं की हवा ने खुद भी फल खा लिया अपने सहायक आदम को भी खिला दिता उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया परमेश्वर को गुस्सा आया परमेश्वर ने आदम को भी श्राप दिया हवा को भी श्राप दिया सप को भी श्राप दिया उसका रिजल्ट की होया परमेश्वर ने आदम ते हवा को अदन के बाग विचों बाहर कर दिया इतनी ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा तुम उत्पत्ति तीन अध्याय में पढ़ सकते हो सो परमेश्वर ने अदन के बाग विचों बाहर कर दिया ते उन्होंने श्राप दिए इतनी शिक्षा सानू देखने सीखने की मिलती परमेश्वर परमेश्वर का वचन परमेश्वर के सेवक जो कुछ भी करने के लिए उसकी आज्ञा कदे भी ना दो शैतान दिया गल्लां विच कदे ना
कि वो जड़ी की शैतान दी सप दी गल्लां विच आ गई ते उस दी गल्लां विच आ के उसने परमेश्वर दी आज्ञा नु तोड़ दिया। जिन्हां नु परमेश्वर दी आज्ञा नु कदे नहीं तोड़ना चाहिदा, शैतान दी सप दी गल्लां विच कदे नहीं आना चाहिदा। देखो आदम ते हवा किन्ने चंगे अदन दे बाग विच परमेश्वर दी आज्ञा नु तोड़िया, परमेश्वर नाल ते गुस्सा होया, उन्हां नु श्राप दित्ता ते उन्हां नु बागे अदन तो बाहर कर दित्ता। ते दूसरी जगह ते परमेश्वर दा गुस्सा किथे पड़ गया? फिर उत्पत्ति 6 अध्याय तो लेके 8 अध्याय तक जदों पहली सृष्टि दे विच बुराई बहुत वध गई सी, इंसाना की बुराई इन्नी वध गई सी, परमेश्वर नू बड़ा गुस्सा आया ते परमेश्वर ने जल प्रलय जिहड़ा कि 40 दिन तक भेजा, यानी कि 40 दिन रात जिहड़ी कि जमीन उत्ते बारिश हुंदी सारी सृष्टि का नाश हो गया। सिर्फ परमेश्वर की निगाह विच जिहड़ा उस समय धर्मी चंगा इंसान सी नू उसदे ते उसनू परिवार नू बचा लिया, उस परिवार के 8 लोगों को बचा लिया। अगर उत्पत्ति 6 अध्याय की 5 आयत तो असीं देखिए, उत्पत्ति 6 उसकी 5, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य के बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने सोचा कि मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा, क्या मनुष्य क्या पशु क्या रेंगने वाले जंतु क्या आकाश के पक्षी सबको मिटा दूंगा, क्योंकि तब परमेश्वर ने नूह से कहा सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नाश कर डालूंगा। देखो परमेश्वर नु कितना गुस्सा आया, परमेश्वर ने नूह नु कहा कि पृथ्वी ते संसार विच इतनी बुराई बढ़ गई है, मैं सारी सृष्टि नु नाश कर दूंगा, सिर्फ तेनू ते तेरे परिवार नु मैं बचाऊंगा। तू एक एदा दा जहाज नूह ने परमेश्वर दी आज्ञा अनुसार किया, एक जहाज नु उसने बनाया। जब जल प्रलय दा समय आ गया परमेश्वर ने नूह नबी नू कहा कि तू अपने 8 लोगों नू लेके उस जहाज दे विच जा, ते जमीन विच जिन्ने भी पशु ने जीव जंतु जानवर ने उन्होंने नर और मादा नू अंदर लेके तू चला जा, ते सारा कुछ उस तरीके जमीन उत्ते जल प्रलय शुरू हो गया। जे असीं 7 अध्याय दी 21 आयत नू देखिए, परमेश्वर ने सारा कुछ नाश कर दिता, और क्या पक्षी क्या घरेलू पशु क्या बनेले पशु और पृथ्वी पर सब चलने वाले प्राणी और जितने जंतु पृथ्वी में बहुतायत से भर गए थे वे सब और सब मनुष्य मर गए। देखो परमेश्वर ने कितना गुस्सा भड़काया, सारी सृष्टि की सारी चीजों नाश कर, की मनुष्य की पशु की पक्षी की जीव जंतु जान सारी चीजें का परमेश्वर ने नाश कर। परमेश्वर का गुस्सा इस ढंग का हो गया, इसका रिजल्ट की मिलिया, नूह के परिवार को छोड़ के सारा संसार सारी सृष्टि जड़ी नाश हो गई। तो सानू शिक्षा की मिली, सानू पृथ्वी से बुराई नहीं करनी चाहिए, चाहे ड्यूटी करते हो कारोबार करते हो बिजनेस करते हो चाहे कार हो तुसी चाहे समाज के बीच हो, कदे भी बुराई ना करो, पवित्र जीवन जी। परमेश्वर बुराई के नाल बहुत नफरत करता है, जिस घर में समाज में परिवार में बुराई होती है पाप होता है, परमेश्वर का गुस्सा भड़का है। तीसरी जगह से असीं देखांगे सदोम ते अमोरा उत्ते भी परमेश्वर का गुस्सा पड़ गया। जे असी उत्पत्ति दी किताब विच 18 अध्याय 19 अध्याय च देखिए, 18 अध्याय दी 20 देखी आयत नूं पढ़िए, सदोम ते अमोरा विच परमेश्वर ने देखा कि बहुत ही पाप बढ़ गया, परमेश्वर का गुस्सा बड़ा पड़ गया, उसके विच
परमेश्वर ने उसको पहले ही काट लिया। परमेश्वर दुनिया के किसी भी हिस्से से अग गिरा सकता है, गंधक गिरा सकता है। परमेश्वर को पाप पसंद नहीं। यहोवा ने कहा सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और न किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। तब यहोवा ने अपनी ओर सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को संपूर्ण तराई को और नगरों को और उन संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों भूमि की सारी उपज समेत नाश किया। देखो परमेश्वर ने सारे लोगों को सारी फसलों को नाश कर दिया। परमेश्वर का गुस्सा ऐसा समाज में देश में परमेश्वर को पाप दिखता है, परमेश्वर को बुरा लगता है, परमेश्वर का उस जगह पे गुस्सा पड़ता है। इसका रिजल्ट क्या होता है? सारा सदोम ते अमोरा परमेश्वर ने नाश कर दिया। सानू शिक्षा की मिलती है, सानू पृथ्वी में पाप ते बुराई नहीं करनी चाहिए, जिन्ना हो सके पवित्र जीवन। पवित्रताई को परमेश्वर बड़ा पसंद करता है, पवित्र लोगों को परमेश्वर बड़ा पसंद करता है। झूठी जगह पे गुस्सा परमेश्वर का कितने पड़ गया? परमेश्वर का अपने दास मूसा उत्ते गुस्सा पड़ गया। परमेश्वर ने जब मूसा को कहा कि तू मिस्र देश में जा, उसे जाके मेरी जनता जड़ी इसराइल है उन्होंने आजाद करके ले गया। पर मूसा ने की क्या कि परमेश्वर मेरा तो गला मेरी तो आवाज थी, मैं तो उसे जाके गल किदा करांगा, तो मेरी जगह किसे होर नु पे यानी कि परमेश्वर मूसा ने परमेश्वर दी थे गल मनन नु इनकार कर दिया, यानी कि मूसा जड़ा परमेश्वर दी गल नु सुन के आना कानी करदा है। जेकर असी निर्गमन 4 दे अंदर 10 आयत देखिए, परमेश्वर दा उंदे ते गुस्सा पड़ गया, मूसा उते परमेश्वर जड़ा नाराज होया गुस्सा होया। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, न तो पहले था और न जब से तू अपने दास से बातें करने लगा है, मैं तो मुंह से और जीभ का भद्दा हूं। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा छोड़ कौन बनाता है? अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह मैं तुझे सिखलाता जाऊंगा। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, जिसको तू चाहे उसी के हाथ से भेज। तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या तेरा भाई लेवी हारून नहीं है? मुझे तो निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है और वह तेरी भेंट के लिए भी निकला भी आता है। देखिए मूसा उत्ते भी परमेश्वर का गुस्सा पड़ गया। साफ साफ लिखिया कि परमेश्वर का गुस्सा पड़ गया। जब परमेश्वर ने मूसा नु अपना गुस्सा दिखाया तब जब मूसा ने परमेश्वर ने मूसा उत्ते अपना गुस्सा पड़काया, मूसा ने की किया परमेश्वर की गुड़की जड़ी से गुस्से में समझ लिया ते मिस्र नु चला उसका भरा हारून गया। काफी मशक्कत के बाद वो इजरायली जनता नु आजाद करके ले आया। मूसा ने तो परमेश्वर के गुस्से नु समझ लिया। किन्ने दुनिया के विच इदां दे लोग है जिहड़े परमेश्वर के गुस्से नु समझदे ते इन्हें सानू शिक्षा की मिलदी है। सानू परमेश्वर के गुस्से नु उसे समय तुरंत समझ लेना है जब परमेश्वर सानू कुछ करन लई कहिंदा है, उसने सेवा कुछ करन लई कहिंदे ने ते उन्हें ते आनाकानी बहाना करना
क्योंकि परमेश्वर जिस किसी योग्य समझता है उसे ही कम देता है। बेशक मूसा का गला ठीक नहीं, उसकी आवाज ठीक नहीं, सोच परमेश्वर ने चंगी लगी, इसलिए परमेश्वर ने उसमें चुना। परमेश्वर जब किसी कोई कम करने के दुनियावी योग्यता नहीं देगा, वो अपने वालों योग्यता देगा। जब परमेश्वर तुम योग देखता है तब तुम कोई कम करने के लिए पंजवा गुस्सा कितने पड़ेगा मिस्र देश में, जिस देश में परमेश्वर ने मूसा को भेजा कि मेरे लोग मेरी जनता मेरी प्रजा जड़ी इज़राइल उन्होंने आजाद कर दिया। अगर असि निर्मल पांच अध्याय की बारह से देखिए, पांच अध्याय तो लेके बारह अध्याय तक देखिए, अगर असि निर्मल पांच चैप्टर तो लेके बारह चैप्टर तक देखिए, जब मूसा ने फिरौन के राजा ने जाके गल की मेरी इज़राइल जनता को आजाद कर, सानू परमेश्वर ने भेजा कि जड़ी जनता है वह भगती करने के लिए पूजा करने के लिए उपासना करने के लिए जाना चाहती है। जब मूसा हारून ने बार बार फिरौन राजा यानी कि मिस्र के राजा बार बार ऐसा गल कही, परमेश्वर ने उस फिरौन के मन को कठोर कर दिया। फिरौन ने इज़राइल को भेजा, परमेश्वर ने फिर उस देश उत्ते फिरौन दे उस लोका उत्ते जिहड़ा कि अपना गुस्सा भड़काया, उस जगह पर अपना गुस्सा भड़काया, फिर उत्ते दस विपत्ति यानी कि दस महामारियां पाईया। जे असीं निर्मल पांच अध्याय तो लेके बारह अध्याय तक देखिए, दस से दस विपत्तियां तो उत्ते जिक्र मिलेगा, लहू की महामारी, मेंढका की महामारी, कुटकियां की महामारी, रासों की महामारी, पशुओं से महामारी, ओले यानी कि फोड़े जड़े होंगे उन्होंने महामारी, ओलिया की महामारी, टिड्डियां की महामारी, होर अंधकार जोड़ा होंगे उसकी महामारी, फिर लास्ट पैलोठा की महामारी, यानी कि दस विपत्तियां उत्थे अदा पाई। इसका रिजल्ट की होया, परमेश्वर ने जब उस देश से अपना गुस्सा भड़काया, पशु जड़े से सारे लोग जड़े की काफी नाश हो गए, उसे बड़ा हाहाकार मच गया। तब जाके उस राजा फिरौन ने इजराइली जनता को आजाद किया। जब ऐसी निर्मल बारह अध्याय तीह इकती आए तो देखिए, निर्मल बारह अध्याय उनकी तीह इकती आए, और फिरौन रात ही को उठ बैठा और उसके सब कर्मचारी वर्ण सारे मिस्री उठे और मिस्र में बड़ा हाहाकार मचा क्योंकि एक भी ऐसा घर न था जिसमें कोई मरा न हो। तब फिरौन ने रात ही में मूसा और हारून को बुलवा कर कहा, तुम इजराइलियों समेत मेरी प्रजा के बीच से निकल जाओ और अपने कहे के अनुसार जाकर यहोवा की उपासना करो। देखो जब उस देश हाहाकार मच गया तब राजा फिरौन जो इजराइलियों को आजाद कर, यानी कि परमेश्वर ने तकड़ा गुस्सा उठे पड़ गया, उन्होंने तो शिक्षा की सानू, परमेश्वर के दास सेवक लोग जो कुछ परमेश्वर के वलों करने कहने के सानू कोई आना कानी या बहाना नहीं बनाना चाहिए, और उसके जड़े भेजे हुए सेवक तुम कुछ कहते हैं उन्होंने गलों का कभी आना कानी नहीं करनी, क्योंकि परमेश्वर के वलों बोल रहे, परमेश्वर का गुस्सा पड़ गया, सारा मिस्र देश जड़ा कि बर्बाद हो गया। अगे जड़ा गुस्सा सी देख दिया बिलाम नबी उत्ते पड़ गया। जेकर असी गिनती बाई अध्याय की इक्की आयत तो देखिए, जब बिलाम नबी मुआबी हाकिमों के नाल गदी ते जा रहा सी, देखो बिलाम नबी परमेश्वर का सेवक सी, फिर भी उस रस्ते परमेश्वर का गुस्सा उस उत्ते पड़ गया, गदी के द्वारा परमेश्वर उस दे नाल बोलिया,
परमेश्वर विलाप न भी देना परमेश्वर ने उस उत्ते अपना गुस्सा दिखाया बिलाम जरा सी समझ गया परमेश्वर ने गुस्से को समझ गया उन्होंने माफी मांग ली क्या कि परमेश्वर मेरे तो गलती हो माफ किया मेरे तो गलती हो मैंने क्षमा कर मैं तू कितने दिन में वापिस चला जाता परमेश्वर ने क्या कि नहीं तू वापिस नहीं जाना तू अगे ही जा पर जो कुछ मैं तेन कहूंगा तू उ बोल देखो परमेश्वर गद्दी के द्वारा बोलिया सो जो उसने बिलाम ने माफी मंगी खुदावन तो परमेश्वर ने उसनु माफ किया इतने सानू शिक्षा भी मिली है सानू बिलाम दी तरह दुनिया की धन संपत्ति का कुछ भी लालच नहीं क्योंकि जो मुआबी हाकिम बिलाम के कोल आए थे वो कुछ उसनु लालच देना चाहते बिलाम की जड़ी नजर से कुछ लालची बन गई इसलिए सानू दुनिया भी कोई लोभ लालच किसी चीज का भी लालच नहीं करना चाहिए कोई भी दुनिया के लोग सानू किन्ना भी आके लोभ लालच सानू उन्हां दी गल्लां विच कदे नहीं आना चाहिए इसराइली लोग बुड़बुड़ान लगे से अगर गिनती 25 अध्याय 21 अध्याय देखिए इसराइली लोग जो बुड़बुड़ान लग पे परमेश्वर ने जहरीले जड़े सांप भेजे परमेश्वर ने जहरीले सांप भेजे परमेश्वर ने जहरीले सांप भेजे जड़े लोगों आके डसन लग गए मूसा ने उत्थे एक पित्तल का क्रोस बनाया एक धूपा बनाया सो वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों लेकर आए हो यहाँ ना तो रोटी है ना पानी और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं सो यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उसको डसने लगे और बहुत से इजरायली मर गए तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे हमने पाप किया कि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की हैं यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे तब मूसा ने उसके लिए प्रार्थना की यहोवा ने मूसा से कहा एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंभे पर लटका तब जो सांप डसा हुआ उसको देख ले वह जीवित बचेगा सो मूसा ने पीतल को एक सांप बनवाकर खंभे पर लटकाया तब सांप के डसे हुए में से जिसने मूसा ने एक पित्तल का सांप बना के खंभे पे लटका दिया लोग उस दे वाल देखने लग पे क्या हुआ तब सांप के डसे हुए में से जिस जिसने उस पीतल के सांप को देखा वह जीवित बच गया सांप के डसे हुए लोगों ने जिस जिसने उस पीतल के सांप को देखा वो सारे के सारे चंगे हो गए इतने भी परमेश्वर का गुस्सा पड़ गया इतने तो सानू शिक्षा की परमेश्वर के लोगों उत्ते कदे भी बुड़बुड़ाना नहीं चाहिए कई लोग परमेश्वर के सेवक उत्ते बुड़बुड़ाते हैं भी परमेश्वर को चंगा नहीं लगता अगे परमेश्वर का गुस्सा फिर इजराइल लोगों जब अस गिनती 25 अध्याय देखते हैं उनकी पहली आयत पढ़ो इजराइली उस उत्ते परमेश्वर का गुस्सा फिर पड़ गया उत्ते की किया लोगों ने लोगों ने कुकर्म करना शुरू किया जब मुआबी लड़कियों के नाल कुकर्म करन लग पे तो उन्होंने बालपुर देवता को पूजन लग पे सो उत्थे परमेश्वर का गुस्सा पड़ गया जब उसे गिनती 25 दे आने पहली आए तो देखते हैं परमेश्वर का गुस्सा पड़ गया मुआबी लड़कियों के नाल कुकर्म करन लग पे बालपुर देवता को पूजन लग परमेश्वर को बड़ा गुस्सा कि देखो मैं इस जनता को मिस्र देश तो आजाद करा के लेके आया ते की करन लग ए तो कु करन लग अन्य जातियां दे नाल ते उन देवता की पूजा करन लग परमेश्वर को बड़ा गुस्सा आया दूसरे पे तो कुछ हो जाए
गुस्सा आया। तो परमेश्वर को बड़ा गुस्सा आया। पेपिस्पर्टी जो गुस्सा आया। तो परमेश्वर को जब गुस्सा आया। तो पेपिस्पर्टी मूसा को क्या कहा? तो परमेश्वर ने मूसा को की किया? लोगों को पकड़ कर जो भी काम करे उनको तो लटका दो। इन लोगों को पकड़ के तुसी इन नु की जड़ लटका दियो। तू पे लटका दियो। तू पे लटका दियो। मरी फैल गए। जब परमेश्वर का गुस्सा उन्हें ते पटकिया, यानी कि परमेश्वर जो देखा कि व्यभिचार दे विच फस गए, परमेश्वर को बड़ा गुस्सा आया। परमेश्वर ने इन्हें मूसा परमेश्वर ने कहा कि इन्हें जरा कि धूपे च लटका दियो। परमेश्वर ने मरी फैला दी। हजार लोग इतने मर गए। इतने सानू शिक्षा की मिलती है। सानू मसीह लोगों को कदे भी किसी के नाल कुकर्म नहीं करना चाहिए। अपने चरित्र को साफ रखना चाहिए। कोई भी सानू इस तरह की बुराई या चरित्र की खराबी नहीं रखनी चाहिए। कोई भी इदा पाप विच नहीं पैना चाहिए। परमेश्वर के लोगों को व्यभिचार के विच फसा दे। परमेश्वर तो दूर कर दे। जिस कारण परमेश्वर का गुस्सा उन्होंने लोगों उत्ते पड़े, परमेश्वर उन्होंने नाश कर दे। जंगल में परमेश्वर का गुस्सा उन्होंने पड़ गया। जब निर्गमन असी बत्ती दे पहली आयत में पढ़ते, इसराइलियों ने जंगल में की किया? जब मूसा परमेश्वर के कोल ऊपर पहाड़ से गया हुआ सी, उन्होंने हारून को कहा कि साढ़े लिए एक देवता हारून के कोलों सोना लेके आए, उस सोने का एक बछड़ा बना, उस बछड़े की वो पूजा कर रहे। कह लगे कि यो परमेश्वर जरा सानू मिस्र देश तो कट के लग गया। देखो मूसा परमेश्वर के कोल गया, परमेश्वर उसे सारा कुछ पता लग गया। परमेश्वर ने मूसा को कहा तू चट नीचे चला जा, देख इजराइली लोग की कर रहे। देखो उन्होंने बछड़ा बना लिया, मूर्ति पूजा कर लग पाए। परमेश्वर का गुस्सा उन्होंने जब असी निर्गमन बत्ती रहन की पहली आयत तो देखांगे, परमेश्वर का गुस्सा जरा इजराइलिया उत्ते पड़ गया। पर मूसा ने परमेश्वर को मनाया। तुसी तां परमेश्वर इजराइल इब्राहिम याकूब दे तुसी परमेश्वर हो। तुसी इब्राहिम इजहाक और याकूब दे खुदा मन दो। तुसी तां उन्होंने नाल की प्रॉमिस की कि मैं अपनी जनता को आजाद करावांगा, उन्होंने नाल ऐदा करांगा। तब परमेश्वर ने अपने वादियां नु याद किया। परमेश्वर का गुस्सा जरा फिर ठंडा, पर आगे जाके परमेश्वर ने उन्होंने सजा भी दी। इन्हें तो सानू की सीखने को मिला? सानू परमेश्वर के लोगों को कभी मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। जीजस की मरियम की चेहरे की फोटो लगा के कोई कहते कि असी फोटो फलानी फलानी जगह तो लेके आए सी, साडे दादे परदादे दी टाइम दी, चाहे तुहाडे घर भी 100 साल पुरानी तस्वीर। याद रखो वचन के मुताबिक तुसी पाप करो, परमेश्वर के गुस्से नूं भड़का। कदे भी परमेश्वर का जिहड़ा गुस्सा तुहाडे उत्ते भड़क सी, लोग उस मूर्ति के अगे सलाम करते। जी तुम अपने घर मूर्ति लगाई हुई है, चाहे वह कागज की है, चाहे संगमर की, चाहे पत्थर की, किसी भी चीज की, जो तुम अपने घर में जीजस की मरियम की समझ के लगा रखी है, इस भी परमेश्वर का गुस्सा भड़क रहा है। अगे जाके परमेश्वर का गुस्सा भड़ गया हारून के मरियम के ऊपर। जब असं गिनती 12 दी पहली आयत तो देखते हैं,
परमेश्वर चंगा नहीं लगता। परमेश्वर का गुस्सा पड़ गया हारून ते मरियम ते मरियम ने लिखा कोड़ लग गया लिखा कि मरियम जड़ी कोड़ी हो गई। देखो परमेश्वर का गुस्सा पड़ गया हारून ते मरियम होते ते मरियम ने लिखा कोड़ लग गया इन्हें तो सू शिक्षा भी सेवका की निंदा चुगली कदे नहीं करनी चाहिए। जब तुम परमेश्वर ने बुलाए हुए भेजे हुए सेवका की बुराई करते हो तुम नहीं पता कि तुम मरियम की तरह केड़ी कोड़ रूपी बीमारी लग जाए। तुम पता नहीं लगेगा कि केड़ी बीमारी परमेश्वर तुम पता नहीं चलेगा कि परमेश्वर का क्रोध किस समय तुम्हारे उत्ते पड़ गया। परमेश्वर का गुस्सा जो कि कोरा ददान के अभिराम उत्ते पड़ गया। जब कोरा ददान के अभिराम ने मूसा का विरोध किया मूसा के हरोन के विरोध में किया तो उन्होंने की किया उच्चे पद वाले क्यों बन बैठे हो ये परमेश्वर का गुस्सा पड़ गया। तुसी मेरे सेवका को ऐदा क्यों कह रहे हो परमेश्वर उन्हें उत्ते गुस्सा होया। तो जब तुसी गिनती 16 दी आयत पहली आयत तो पढ़ोगे 35 आयत तक जब पढ़ोगे पढ़ेंगे 16 दी आयत गिनती 16 दी आयत 31 आयत तो लेके 33 आयत तक। वह ये सब बातें कह ही चुका था कि भूमि उन लोगों के पांव के नीचे फट गई और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया। जब कोहरा दतान का विराम खड़े हुए अपने परिवार के नाल परमेश्वर का गुस्सा पड़ गया पृथ्वी फट गई और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और उनका घर द्वार के समान और कोरह के सब मनुष्यों और उसकी सारी संपत्ति को भी निगल लिया और वे और उनका सारा घर बार जीवित ही अधोलोक में जा पड़े और जिंदे ही अधोलोक दे विच चले गए। परमेश्वर का गुस्सा इन्ना पड़ गया जमीन लिखा फट गई जिते कोरह दतान ते विराम खड़े और सारे सारे जमीन दे विच ही चले गए। जमीन फट के उन्होंने अधोलोक दे विच लै गए। इधर सानू शिक्षा की मिलती है परमेश्वर के दासा के खिलाफ कदे ना बोलो उन्होंने कदे विरोध खासकर सच्चे पवित्र ते अभिषिक्त सेवका जब तुम ऐदा करोगे परमेश्वर तुम्हें जमीन उत्ते बोझ समझेगा। अगे परमेश्वर का गुस्सा इजराइल उत्ते फिर जब उसी न्यायियों 2:11 तो लेके 15 तक देख रहे हैं जब उन्होंने पराए देवता की भक्ति की पूजा की अपने परमेश्वर भुल गए इतने भी परमेश्वर का गुस्सा पड़ गया। इतने भी परमेश्वर का गुस्सा उन्होंने पड़ गया परमेश्वर ने उन्होंने लुटेरिया के हाथ विच कर दिया। सो परमेश्वर का गुस्सा इतने पड़ गया। जेकर असि अगे राजा दाऊद बारे देखिए परमेश्वर का गुस्सा उन्हें पड़ गया जब अं दूसरा शमूएल 11 दे अंदर 26-27 विच देख रहे हैं राजा दाऊद ने हित्ती उरिया नु मरवा के उनकी पत्नी नु अपनी पत्नी कर लिया। ए गल परमेश्वर नु चंगी नहीं लगी परमेश्वर का गुस्सा पड़ गया। अगे जाके जदो उस स्त्री द्वारा दाऊद के घर बच्चा पैदा हुआ वो मर गया बच्चा नहीं दाऊद ने अपने किते हुए पाप नु स्वीकार किया परमेश्वर का गुस्सा जरा दाऊद उत्ते फिर पड़ गया जबकि परमेश्वर जरा कि दाऊद राजा ने बहुत प्रेम करता पर जब दाऊद ने गलती की परमेश्वर का गुस्सा उन्हें उत्ते पड़ गया। इन्हें तो शिक्षा
मेरा क्रोध और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय में कही है वैसी तुम लोगों ने नहीं कही। तो परमेश्वर का गुस्सा अय्यूब के दोस्तों उत्ते क्यों पड़ गया? परमेश्वर ने उसके दोस्तों को कहा कि जिदा अय्यूब ने तुसी मेरे विषय अय्यूब ने मेरे विषय चंगी गल जिवें तुसा नहीं कही अय्यूब नू, तुसा अय्यूब की तरह क्यों नहीं? परमेश्वर का गुस्सा जरा अय्यूब के दोस्त उत्ते, फिर परमेश्वर ने कहा तुसी मेरे दास अय्यूब के कोल ही जाओ, कोई तुहाडे लई प्राप्त ना करे, उसे दी मैं सुनांगा। खैर वो अय्यूब के कोल गई, अय्यूब ने जब उसे प्राप्त ना की तद परमेश्वर का गुस्सा हो। सानू कदे भी परमेश्वर की शक्ति परमेश्वर की सामर्थ उत्ते शक नहीं करना चाहिए। जो असि नहेमिया 13 अध्याय की 23 आयत देख रहे हैं, परमेश्वर ने नहेमिया दास द्वारा पढ़ गया, परमेश्वर का गुस्सा यहूदियों उत्ते पड़ गया अपने दास नहेमिया के द्वारा। जो यहूदियों ने अन्य जाति स्त्रियों नाल ब्याह करना शुरू कर दिया तब परमेश्वर का गुस्सा पड़ गया। फिर उन्हीं दिनों में मुझको ऐसे यहूदी दिखाई पड़े जिन्होंने अशदोदी, अमोनी और मुआबी स्त्रियां बहल ली थी, और उनके लड़के वालों की आधी बोली अशदोदी थी और वे यहूदी बोली ना बोल सकते थे, दोनों जाति की बोली बोलते थे। तब मैंने उनको डांटा और कोसा और उनमें से कितनों को पिटवा दिया और उनके बाल नुचवाए। और देखो जदों नहेमिया नु पता लग गया कि यहूदिया ने अन्य जाति औरतों नु ब्याह लिया तां नहेमिया दा गुस्सा पड़ गया, नहेमिया ने उन्होंने लोगों को बुलाया, देखा उन्होंने सजा की दी। तब मैंने उनको डांटा और कोसा। देखो नहेमिया की कह रहे, मैं उन्होंने डांटिया, उन्होंने कोसिया और उनमें से कितनों को पिटवा दिया। नहेमिया कहना उन्होंने किन्निया मैं पिटवा भी दिता। देखो उनका गुस्सा क्यों पड़ गया? परमेश्वर के वालों उनका गुस्सा पड़ गया था, तो उन्हें किन्ने लोगों को पिटवाया। आज प्रभु के सेवक लोग जो तुम समझाते कि अन्य जाति औरतों अन्य जाति लोगों ब्याह ना करो, इस तरीके की सजा तो अजकल सेवक लोग देंगे कि कभी किसी को पिटवाया है, किसी के बाल चुवाए। देखो खुदा उनका गुस्सा कितना पड़ गया। परमेश्वर के लोगों जो तुम अन्य जाति लोगों अपने रिश्ते बनाते हो, परमेश्वर का गुस्सा कितना पड़ रहा है? उनके बाल नुचवाए और उनको परमेश्वर की यह शपथ खिलाई कि हम अपनी बेटियों और उनके बेटों के साथ ब्याह में ना देंगे और ना अपने लिए या अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां ब्याह में लेंगे। क्या इज़राइल का राजा सुलेमान इसी प्रकार के पाप में ना फंसा था? बहुतेरी जातियों में उसके तुल्य कोई राजा नहीं हुआ, और वह अपने परमेश्वर का भी प्रिय था, और परमेश्वर ने उसे सारे इज़राइल के ऊपर राजा नियुक्त किया, परंतु उसको भी अन्य जाति स्त्रियों ने पाप में फंसाया। तो क्या हम तुम्हारी सुनकर ऐसी बड़ी बुराई करें कि अन्य जातियां की स्त्रियां ब्याह कर अपने परमेश्वर के विरुद्ध पाप करें? देखो कितना परमेश्वर का गुस्सा पड़ गया। जो भी तुसी अन्य जातियां के नाल अपने बच्चों के रिश्ते जोड़ते हो, पक्का नोट कर लो कि परमेश्वर का गुस्सा पड़ गया। माफी का तुम बचाव का रस्ता नहीं मिलेगा। नहेमिया के द्वारा यहूदियों उत्ते कितना गुस्सा पड़ गया। जब असीं योना के चैप्टर देखिए तो परमेश्वर का गुस्सा योना उत्ते भी पड़ गया। परमेश्वर ने योना को कहा तू नीनवे वल जा, पर परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ के तर्शीश वल चल। योना की किताब में पहला दूसरा चैप्टर पढ़ोगे उत्ते लिखे योना जब तर्शीश वल जा समुद्री जहाज तूफान आ, जदों उत्थे तूफान इन्ना वध गया सी
लोगों ने जो यात्री उत्थे सवार सी उन्होंने एक चिट्ठी पाई चिट्ठी जी योना के नाम ने उन्होंने योना जरा कि चक के जरा कि समुद्र के सड़ दिता योना मगरमच्छ के पेट में चला गया परमेश्वर ने ही मगरमच्छ को ठहराया परमेश्वर का योना जरा परमेश्वर की आज्ञा तोड़ के जा रहा है पर परमेश्वर ने क्या फिर भी एक तो उन्हें मगरमच्छ ठहराया योना उनके पेट में चला गया योना तीन दिन तीन रात उसके पेट में चला योना ने अंदर जाके तो कि परमेश्वर मेरे तो गलती होगी कि परमेश्वर मेरे तो गलती होगी परमेश्वर ने फिर योना माफ किया समुद्र के किनारे जरा उगल दिया परमेश्वर उसने सेवक जो कुछ सानू करन दी आज्ञा दें इधर जाओ उधर ना जाओ सानू उन्हां दी गल्लां वल ध्यान देना जेकर असीं उस दी आज्ञा नूं तोड़ के अगे वधदे ना परमेश्वर दा गुस्सा पड़ जाए नीनवे दे लोकां उत्ते परमेश्वर दा गुस्सा पड़ जाए योना दे चैप्टर विचों पहला अध्याय दूसरे अध्याय च देखदे हां पहली आयत दूसरी आयत पढ़दे हां यहोवा का यह वचन अमिताय के पुत्र योना के पास पहुंचा उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसका विरुद्ध प्रचार कर क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है देखो परमेश्वर ने योना नु की क्या तो नीनवे नु जा उन्हां दी बुराई जड़ी बहुत वध गई जाके उन्होंने विरुद्ध प्रचार पहली बार तो योना गया नहीं जो दूसरी बार परमेश्वर ने उसनु मगरमच्छ के पेट में कढ लिया परमेश्वर ने फिर उसनु नीनवे नु भेजा फिर वो नीनवे नु गया उसे जाके प्रचार करन लग गया उसे जाके जो लोगों को समझान लग गया चेतावनी देन लग गया परमेश्वर ने नींद में लोगों को की कर दिया माफ कर दिया यानी कि परमेश्वर ने जो नाश करने की ठानी थी परमेश्वर लिखे अपनी इच्छा बदल ली सब अपने जीवन में किसी भी बुराई के लिए परमेश्वर तो तुरंत क्षमा मांग लेनी चाहिए परमेश्वर का क्रोध गुस्सा नंबर एक पहले कोई बुराई करनी नहीं चाहिए देश ना बदलिया परमेश्वर का गुस्सा पड़केगा जब असि नए नियम देखे तो प्रभु यीशु ने भी कई जगह से गुस्सा दिखाया मरकुस तीन अध्याय जब असि पहली आयत पढ़िए सब्बत के दिन जब परमेश्वर ने एक सुके हाथ वाले नु देखिया परमेश्वर ने चारों ओर क्रोध के नाल देखा और वह आराधनालय में फिर गया और वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देखें कि वह सप्त के दिन उनको चंगा करता है या कि नहीं उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा बीच में खड़ा हो और उसने कहा क्या सप्त के दिन भला करना उचित है या बुरा करना प्राण को बचाना या मारना पर वे चुप रहे और उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा अपना हाथ बढ़ा उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया देखो परमेश्वर ने गुस्से के नाल चारों तरफ देखा गुस्से के नाल चारों वाल देखा उनके हाथ नु ठीक तक कर दिया पर प्रभु यीशु मसीह नु लोगों उत्ते गुस्सा आया जब तुसी मरकुस 8 अध्याय दी 32-33 आयत नु पढ़िए जब पतरस अलग ले जाके प्रभु यीशु नु झिड़कन लग पिया तब प्रभु यीशु ने पतरस नु गुस्सा दिखांदे हुए की किया हे शैतान मेरे वालों दूर हो जा क्योंकि तू परमेश्वर की गल्ला वल इंसानों की गल्ला वल मन लगा इतने भी परमेश्वर गुस्सा आया
आज के 14 आयत से निकल पड़े। चलो से यूहन्ना 2:14 आयत तो पढ़िए। परमेश्वर ने जो मंदिर में कबूतर बेचने वाले को देखा, परमेश्वर ने जो मंदिर में कबूतर बेचने वाले को देखा, उसे भी अकल डांटा, उन्होंने गुस्से में विच आके डांटा, उन्होंने चौकिया पलट दी, उसे भी अकल डांटा, तो उन्होंने गुस्से में आके की किया, ਵਪਾਰ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। समाज उते, संसार उते, देश उते अपना गुस्सा भड़कांदा है। तुसी समझ सकदे जिवें समाज विच अन्ने एक्सीडेंट हो रहे हैं, कि परमेश्वर अपने बनाए गए इंसान नूं इस तरीके नाल मारना चाहेगा? बिल्कुल नहीं। पर की करिए, परमेश्वर गुस्सा है लोगों समाज विच अन्ने पाप वधे, इन्नी बुराइयां वधे, इन्नी मूर्ति पूजा, इन्ने व्यभिचार वधे, इन्ना कमंड वधे, परमेश्वर ने सारा कुछ चंगा लगता है? बिल्कुल नहीं। किन्ने डेली एक्सीडेंट हो, समाज किन्ने दुख, किन्नी बीमारियां, अगर कोरोना वायरस 4-5 महीने तो इतने फैले, लाखों लोगों की डेथ हो गई, इंसान फिर भी नहीं समझ गया। इंसान की कहना है कोरोना ने नाल लगा, इंसान की कहना है कोरोना ने नाल लगा, सरकार भी गलत, कोरोना ने नाल लगा, भी कोरोना से डरो ना, लड़ो, चलो तुसी कोरोना ने नाल लड़ लो, पर जिन्ने कोरोना भेजे, जिस परमेश्वर ने बीमारी भेजी, उन्दे नाल किदा लड़ोगे? तुसी मान लो कोरोना का इलाज कर लोगे, दवाई आ जाए, उसके कोल तक कई अनेक बीमारी, उसके कोल तो अनेकों वायरस ने, एक वायरस चला जाएगा तो दूजा आ जाएगा। उस परमेश्वर तो डरो नहीं, तो क्षमा करो, पाप को दूर करो, बुराइयां को छोड़ दो, ईर्ष्या को छोड़ दो, नफरत को छोड़ दो, वैर विरोध को छोड़ दो, भ्रष्टाचार को छोड़ दो, झूठ को छोड़ दो, गाली देना छोड़ दो, सारे तरीके के पापा को छोड़ दो। परमेश्वर का गुस्सा तद जाके शांत हो। देखो समाज इन परेशानियां, नी चोरियां, ने डाके, इन्नी लूट खसूट, इन्ने कतल हो रही, किन्ने कोर्ट केस चल रहे, किन्ने लोग जेल में बैठे, एक की है परमेश्वर का गुस्सा है। परमेश्वर इंसानों तो गुस्सा है, समाज चंदे पैसा की बर्बादी, परमेश्वर ने गुस्से में दर्शाया, घर घर में झगड़े, घर घर में तलाक, आत्महत्या, यह सारा कुछ परमेश्वर ने गुस्से में दिखाया। सो समाज के संसार के इस घड़ी में परमेश्वर का गुस्सा पड़ रहा है, पर लोग समझते नहीं, लोग कहते हैं कि कोई नहीं बीमारी आई, पहला भी आई चली गई, यह भी चली जाए, फिर आई क्यों? उस परमेश्वर ने अपनी प्रजा से बीमारी भेजी, उसनु समझ, उसके गुस्से नु समझो, उसका गुस्सा क्यों है? तुम्हें पता है परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर पसम करने वाली आज्ञा है। व्यवस्था विवरण 4:24 है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है, वह जल उठने वाला परमेश्वर है, पसंद करने वाली आग है। जेकर गुस्सा हो जाता है, कुछ भी कर देता है, वो कुछ भी कर सकता है, परमेश्वर वो जलन रखने वाला परमेश्वर। हालेलुया। अपने लोगों तो अपने
जड़े रचे गए इंसान तो बार बार दूर कर, बार बार अपने गुस्से में ठंडा कर। परंतु वह जो दयालु है वह अधर्म को ढांपता और नाश नहीं करता, वह बार बार अपने क्रोध को ठंडा करता है और अपने जल जलाहट को पूरी रीति से भड़कने नहीं देता। लिखे कि बार बार अपने गुस्से को ठंडा करता है। जदों उनका गुस्सा भड़क गया, जिस भी इंसान उते भड़क गया, जिस भी समाज उते भड़क गया, जिस भी देश उते भड़क गया, तुसी किते भी छुप जाओ, कानून निकाल लेंगे। जब तुसी पढ़ो अमोस 9 दे आए उनकी 2 आए तो 2 आए तो लेके 4 आए तक देखो की कहता है वचन, क्योंकि चाहे वे खोद कर अधोलोक में उतर जाए तो वहां से मैं हाथ बढ़ाकर उन्हें लाऊंगा। चाहे तुसी खोद के अधोलोक दे विच उतर जाओ, परमेश्वर कहता मैं तुहानू उत्थों भी कढ लवांगा। चाहे वे आकाश पर चढ़ जाए तो वहां से मैं उतार लाऊंगा। तुसी चाहे आकाश भी सूरज चंद्रमा भी जाके छिप जाओ, परमेश्वर कहता मैं तुहानू उत्थे भी ढूंढ टाण के लभ लियावांगा। चाहे वे करमेल में छिप जाए परंतु वहां भी मैं उन्हें ढूंढ ढूंढ कर पकड़ लूंगा। तुसी चाहे पहाड़ों में जाके छिप जाओ, उत्थे जाके मैं तुहानू निकाल लियावांगा। तो चाहे वे समुद्र की थाह में मेरी दृष्टि से ओट हो वहां भी मैं उसे सर्प को उन्हें डसने का आज्ञा दूंगा। चाहे तुसी समुद्र की तह में जाके छप जाओ, परमेश्वर कहता मैं तुहानू उत्थों भी कढ लियावांगा। एदां दा गुस्सा करन वाला साडा परमेश्वर, जदों तुसी उसकी आज्ञा नूं तोड़दे हुंदे सामने पाप करदे हो, परमेश्वर तुहानू बख्शण वाला नहीं। और तुसी किते भी छुप जाओ तुहानू कढ लिया। जेकर असी नहूम 1 अध्याय दी 6 विच पढ़दे हां, उसके क्रोध का सामना कौन कर सकता है, गुस्से का सामना कौन कर सकता है, और जब उसका क्रोध भड़कता है तब कौन ठहर सकता है। जब उसका गुस्सा भड़कता है तब कौन ठहर सकता है, उसके गुस्से के सामने कोई ठहर नहीं। उसका गुस्सा भड़कना ना इंसानों का गुस्सा सहा जा सकता, परमेश्वर का गुस्सा नहीं सहा जा सकता। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर का विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया। परमेश्वर का गुस्सा जो क्रोध है उनकी अभक्ति उत्ते पड़ रहा है या उनके अधर्म उत्ते पड़ रहा है। परमेश्वर का गुस्सा पड़ता है, उस देश उते कार उते समाज उते परमेश्वर का गुस्सा पड़ता है। पर प्रभु दे लोगों को एक गल चेते, तानू जे मसीह ने अपने लिए चुन लिया, परमेश्वर ने गुस्से ले नहीं चुनिया। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय अगर उनकी 9 आयत में से पढ़िए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। परमेश्वर ने सानू क्रोध के लिए नहीं चुनिया, इस सृष्टि नु संसार नु परमेश्वर ने क्रोध लिए नहीं चुनिया। ऐसा नहीं कि सृष्टि नु लोगों नु चुन लिया फिर खाम खानों ते गुस्सा भड़काया जावे, ऐसा नहीं, परमेश्वर ने सानू क्रोध लिए नहीं चुनिया। परमेश्वर चाहता है कि उनके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाल असीं सारे जने राज करिए। चलो तुसीं व्यवस्था विवरण 6 दे आंदी 14 ते 15 विच पढ़िए, जदों उत्थे इज़राइल लोकां ने अनेक देवी देवता की मूर्ति पूजा की परमेश्वर का गुस्सा पड़ गया। जेकर तुसीं व्यवस्था विवरण 7 दे आंदी 3 ते 4 विच पढ़िए, जदों अन्य
ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਪੜ ਗਿਆ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਗਿਆ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭੜਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਬੁਰਾਈ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਪੜਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ
छुपा कर दे। उसने परमेश्वर तनु आज इससे समय क्षमा कर दे। अपने लोगों के जीवन च इस वचन के द्वारा बड़ी बरकत देना ताकि पिता कदे भी तुहाडे वचनां तोड़िया ना करे, कदे भी तेरी आज्ञा नूं तोड़िया ना करे, कदे भी तेरे वचन के खिलाफ ना चले, आमीन।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਚ ਬਣੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਸਲਾਮ।